हाँ तो भाई पाकिस्तान की जो हमारी धरती वहां पे तशरीफ ला गई है, तो भाई बहुत ज्यादा सुरक्षा कवच बिठाए हुए हम लोगों ने यहाँ पे प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी बहुत शुक्रिया शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने पाकिस्तान टीम को, देख सकते हैं यहाँ पे बाबर आजम भी आ चुके हैं, शादाब खान भी आ चुके हैं, हम ये देखे बाबर आजम गुला भाई पापना भाई अब्बू ये देखे अपना चाचा का मुंह तो देखे ऐसे फतेह करने आए हुए इनको, ये रिजवान भाई ये कैसी उंगलियां करते हैं यार रिजवान ने, ये देखे भाई धानी कहाँ से आ गए, ये तो नाइंसाफी कर रहा है पाकिस्तान की टीम, धानी को लिया है गांव से उठा के यार, ये तो बहुत गलत बात है यार। तो भाई ये आप पाकिस्तान की टीम आ चुकी है यहाँ पे, देखते हैं बस दुआ ये करना है कि बीफ ना मांगे क्योंकि हमारे पास बीफ होता नहीं है। बाबर आजम साहब मेरे को लग रहा है इसी बल्ले से सिराज को बुमराह को कवर ड्राइव मारोगे आप। अरे 350-300 रन की तो पार्टनरशिप इंशाल्लाह अल्लाह ने, इंशाल्लाह अल्लाह का बाबर भाई इंशाल्लाह। आजकल तो रिज्जू भाई भी इस फॉर्म में लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का निजाम। बाबर आजम साहब ये धानी को क्या जेब में डाल कर लाए हो? धानी थोड़ी सी जो है अपनी मेहनत है उसकी और अल्हम्दुलिल्लाह टीम एफर्ट है, बाबर आजम की जो है वो है, बाबर आजम की जो है वो है सिलेक्शन है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और वर्ल्ड कप तो हमारा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर आजम मेरे को आपकी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है। बाबर भाई वॉशरूम जाओ ना। अरे बाबर भाई बहुत सारे वॉशरूम, आइए फैंसी वॉशरूम कहाँ है भाई, वॉशरूम चलिए जाए यार, वॉशरूम करा कर आए यार ठीक है भाई। अरे बाबर आजम साहब चलिए ना, अरे आइए बाबर आजम साहब तशरीफ लाइए, द वन किंग पाकिस्तान कैप्टन आइए। अरे बेटा पांड्या तेरे को बोला है बेटा, मेहमान आ रहे साइड पे हो जा बेटा, बाबर आजम शौचालय हमारे ही है बेटा, यहाँ तो लूटा भी नहीं है। अरे बाबर आजम वो आपको तो पता है थोड़ा बजट का मसला चल रहा है, तो आप हद से काम चलाइए ना। अरे भाई हार्दिक अरे बाबर भाई आप कब आए बेटा, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मैं भाई वो बस वैसे ही बैठा हुआ था, क्यों आए हैं यहाँ पे? अरे पांड्या बेटा जो आप काम कर रहे थे ये भी वही काम करने आए हैं। भाई मैं इधर नहीं करूंगा खुले में। रिजवान भाई नहीं अरे अरे बाबर साहब छोड़े इस बात को यहीं दबाए। बाबर भाई कहाँ जंगल में खड़े हो यार? अबे ये मुझे कह रहे हैं यहीं कर लो, तो क्या हुआ? हम लोग रोहित शर्मा वगैरह हम सारे इधर ही करते हैं। अबे बाबर मैं कह रहा हूँ विराट कोहली तक आता है फोन कर इंदमाम को अपन। अरे बाबर आजम भाई साहब हम आपको अच्छा वाला डब्बे फोन कर कल्टी मारो बाबर भाई। अरे बाबर भाई बात सुनिए, बाबर भाई इंडिया की बड़ी बेस्ती होगी। अरे पांड्या बेटा तुझे कहा था साइड पे हो जा, मेहमान आ रहे हैं। तुम लोगों को बोल रहा हूँ डब्ल्यूसी बनवा लो या सही वॉशरूम होगा ना दलील। अरे पांड्या बेटा तुझे पता है बजट आउट चल रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारे साथ है रमीश राजा पीसीबी के चेयरमैन, तो हम उनसे बात करते हैं। तो रमेश भाई आप क्या कहेंगे, एशिया कप में इंडिया जो ना पाकिस्तान नहीं आया खेलने के लिए, तो क्या हम इंडिया जा रहे हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए? मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग इंडिया चले जाएं खेलने के लिए, जब वो एशिया कप में नहीं आ सकते तो हम क्यों जाएंगे भाई। तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए इंडिया वाले नहीं आएंगे हम वर्ल्ड कप खेलने। भाई रमेश भाई एक गुड न्यूज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। हाँ बता भाई। सीन ये है कि अभी जितनी भी टूर्नामेंट की टीमें होंगी ना उन सबको मिलियंस डॉलर मिलने वाले हैं, भले फाइनल जीतो या हारे मिलियंस डॉलर। तो भाई मैं ये बोलना चाहूंगा कौन बोल रहा था कि भाई हम इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए, कौन बोल रहा था? अरे भाई हम ही तो जाएंगे खेलने के लिए, और अगर बाबर रिजवान या किसी ने मना किया मैं यकीन करो सबको टीम से बाहर निकाल दूंगा सबको, मैं खुद पेट पहन के चले जाऊंगा, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर इंडिया। भाई इंडिया लव है यार हमारा। अरे अरे एक और अरे तू छोड़, इंडिया से बहुत प्यार करता हूँ यार मैं, मेरा इतना अबे मेरे इतना कोई प्यार ही नहीं करता इंडिया से, मैं बता रहा हूँ। एक और बात भी है, हाँ। वो अब पीसीबी ने ऐलान करा है भी के रमीज राजा का पट्टा कट रहा है। हाँ वो मतलब आपको रिटायरमेंट आपको हटा दिया, आपको योर आएगा न्यू चेयरमैन आ रहा है। मतलब मेरा पट्टा कट रहा है तो मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे ना, बता तो दो भाई। अब जाओ ना तुम, चलो निकलो अभी तो आप चलो निकलो कोई और चलो। तो व्यूअर्स आपने देख लिया रमीश भाई जलील होके जा चुके हैं, तो अब नए चेयरमैन आएंगे पीसीबी के, फिर हम उनसे बात करेंगे। तो हम इंडिया तो वैसे भी जाएंगे क्योंकि हमें डॉलर तो कमाना है जरूरत, तो हम जाएंगे इंडिया। तो इंडिया भाई इंडिया हम जब आए तो आप अच्छे से वेलकम करिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई कैम छो मजा। तो भाई आज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है और 14 अक्टूबर की डेट आ चुकी है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। तो मेरे साथ एक तरफ है बाबर आजम, दूसरी तरफ है रोहित शर्मा। तो भाई टॉस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि टॉस कौन जीतता है और कौन पहले बैटिंग करेगा और कौन पहले बॉलिंग। ये टॉस उछाला मैंने,
पकड़ो इसको, ये साले फिर से लेके भाग गए हर साल की तरह। ये लोग पूरा खुद चोर हैं, इनके पैदाइशी नस्लों में चोरी भरी हुई है, पता नहीं कहां से। पकड़ के लेके आओ उसको। भाई मार क्यों रहे हो? किंग हूं मैं, किंग। किंग अपने घर पे होगा, यहाँ थोड़ी है। सिक्के लेके भाग रहे हो भिखारी। अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही बोला था, यही करना है। मैं तो तुम्हारा वो भी भिखारी है, प्राइम मिनिस्टर तुम भी भिखारी हो। सिक्का दो कांगिया। चलो तो भाई वापसी टॉस करते हैं। खेल तो भाई इंडिया ने जीत लिया है, तो आप पहले क्या करेंगे? पहले बैटिंग करेंगे। तो आप पहले बैटिंग देके इनको जलील करेंगे? बहुत जलील करेंगे, क्योंकि ग्राउंड हमारा है, हमारी फेवरेट पिच है, फेवरेट ग्राउंड है। इनको ऐसा धोएंगे तकरीबन 450 तक इनका टारगेट। कैसे धोया था वो तो आपको याद है, इस बार भी ऐसे ही धोएंगे। तो भाई बाबर भाई आप फिर से जलील होने के लिए तैयार? हां भाई, जैसे कुत्ते की तरह पहले हारे थे, इस दफा भी कुत्ते की तरह हारे टीम से। हां भाई यही उम्मीद है। तो भाई आपने देखा कि भाई इंडिया ने पहले टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, तो भाई पाकिस्तान को धोने के लिए फुल टाइम तैयार हैं। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। चलो भाई।